Uh, in language learning uh, we need to know the elements factors and components of language that uh, what elements are making uh, a language uh, uh, how can we learn language by getting the knowledge of the components of language and uh, components of language are very important because every language is comprised of uh, some elements or some uh, phases some parts so unless you understand

सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का मुझे पता है कि हम उसको uh, जो है वो साउंड एक वर्ड के साथ वॉवल्स के साथ और अल्फ़ाबेट्स uh, जो होते हैं उसकी साउंड बच्चे को सिखाते हैं सबसे पहले कि हाउ दिस अल्फाबेट इज़ साउंडिंग दैट अ ब स सी का क हम उसको साउंड सिखा रहे होते हैं सो so, फोनीम का मतलब यह है ये है कि ये फोनोलॉजी जो है दिस इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द लैंग्वेज और uh, Uh, ये जो आवाज़ है जैसे अब अभी आप देखेंगे कि हमारी कल्चरल uh, कुछ साइंस एंड सिम्बल्स और uh, कुछ आवाज़ें होती हैं जिससे हम किसी अगले को एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और पेन uh, होती है तो उसकी अलग से आवाज़ है या खुशी है तो द पीपल आर यू नो स्माइलिंग लाफिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वॉइस एंड इन द सेम वे इन द सैडनेस पीपल आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वॉइस सो अल्फाबेट जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के उसकी जो साउंड है हम जब बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बेसिकली पहला स्टेप जो है वो उसकी उस इंट्रोडक्शन की बात है कि वो किस तरह से साउंड से अवेरनेस जो है वो हासिल करता है अब साउंड पता होगी तो आप प्रोनाउंस करेंगे कोई भी वर्ड जो किसी भी लैंग्वेज का होगा बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अब देखिए जैसे सीलिंग फैन है तो सीलिंग फ़ैन को अब चूँकि सीई के साथ है या Uh, उसको uh, किसी ने प्रनासीेशन बच्चे को पढ़ाया अब वो पढ़ रहा है जी सीलिंग के फैन की जो केलिंग फैन भी, भी बच्चे पढ़ते हैं उसके uh, कुछ uh, तर, जैसे uh, नॉट है अब नॉट है या uh, नाइट है तो चूँकि उसके साथ के आ रहा है साइलेंट नहीं करते कनाइट कर भी कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो साउंड है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है साउंड की वजह से आप किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को प्रोनाउंस अच्छी तरह से करना जानते हैं और उसको जो है उसी हिसाब से फिर आप उसका मीनिंग तक आगे का ट्रैवल जो है वो करते हैं सो दिस इज़ एक्चुअली गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इन एनी लैंग्वेज एंड मैच अप टू द साउंड ऑफ द एल्फाबेट्स आल दो देर इज़ नॉट ऑलवेज़ वन टू वन कनेक्शन बिटवीन अ लेटर एंड अ फोनीम अब जैसे एक लफ्ज़ है शेप एक लफ्ज़ है कैट कैट उसके अंदर तीन फोनीम है, कैट कैट सी ए टी कैट तो तीन फोनीम का मतलब यह है कि ये कैट जो है ये तीन फोनीम का से बना है तीन साउंड आ रही हैं कैट इसके साथ अगर हम शेप की बात करें तो शेप में भी तीन ही फोनीम आ रहे हैं हालांकि उसके लेटर पाँच हैं लेकिन शेप आप अगर हम यहाँ पे आके देखें तो उसमें साउंड जो है वो एक श रही है एक प की आ रही है आप एंड पे आके उसको रोक रहे हैं तो तीन फोनीम जो है उसको मिलकर बना रहे हैं हालांकि लेटर्स जो है वो उसके पाँच हैं तो ये इस बात का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लेटर भी पाँच होंगे तो फोनीम भी पाँच होंगे लेटर का मतलब ये है कि आपके लेटर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उसका जो साउंड है वो किस तरह से फोनीम उसके अंदर वर्क कर रहा है इट इज़ अ डिफरेंट मैटर दैट इज़ द कॉन्सेप्ट उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अराउंड फोटी फाइव डिफरेंट फोनीम्स सो इंग्लिश लैंग्वेज के फोटी फ़ाइव फोनीम्स हैं जो कि डिफरेंटली यूज़ होते हैं मुख्तु मतलब वर्ड्स के हिसाब से और उसके स्पेलिंग के हिसाब से और अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से तो ये मैंने दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो बात समझाई है वो ये है कि फ़ोनीम और लेटर्स जो हैं इनका एक कनेक्शन तो ज़रूर है लेकिन एग्जैक्ट उतने ही लेटर्स का होना या एग्जैक्ट उतना ही फोनीम का होना इट इज़ नॉट इसेंशल उसके बाद फोनोलॉजी आ जाती है फोनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर विद इन द लैंग्वेज इज़ नॉन द फोनोलॉजी किस तरह से आप सेंटेंस को वर्ड को स्ट्रक्चर करेंगे बनाएंगे उसको बोलने के लिए एक डायलाग जो आप तैयार करते हैं तो ये फोनोलॉजी जो है ये पूरी हमें इंफॉर्मेशन उसकी देती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू फॉर्मुलेट अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द फ़ोनीम फ़ोनीम इज़ अ पार्ट ऑफ द फ़ोनोलॉजी जो कि अभी हमने डिस्कस किया है और हमने देखा है कि वो एक साउंड को लैंग्वेज की उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फोनोलॉजी

इसके बाद फोनेटिक्स बिलोंग टू डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक एंड फोनोलॉजी बिलोंग्स टू थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक अच्छा फोनेटिक्स जो है ये डिस्क्राइब करते हैं और जो फोनोलॉजी है ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि थेरी क्या है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी लैंग्वेज को लर्न करने के पीछे असल में जो है मेन उसका कॉन्सेप्ट जो है लैंग्वेज का मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज है तो सबसे पहले हमें काम क्या करना चाहिए इसकी थेरी क्या है क्या पहले हमें ग्रामर सीखना चाहिए या हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट जो है जैसे एक गोरा बोल रहा है तो हमें उसके बहुत सारी बातों की मीनिंग तो नहीं आ रही समझ लेकिन हम उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं तो हमें भी इंग्लिश बोलनी आ जाती है लेकिन हमारी जब राइटिंग की बारी आती है तो हमें ग्रामर नहीं आता तो हम राइट नहीं कर सकते तो ये इसलिए वो कह रहा है कि जो थोरेटिकल पार्ट है उसको फिनोमिनोलॉजी डील करती है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो फोनेटिक्स उसको डील कर रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंट बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोमिनोलॉजी सो फोनीम्स और फिनोमिनोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट A component of the language and they basically discuss and the study the soundness or the structure to just make uh, sound in order word words uh, to make in order to produce sound. that is actually uh, these two components are describing.